9 मई का एहतसाब होने तक कोई मुजाकरात नहीं होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में ऐलान। कहा रऊफ हसन तरनले कर रहे हैं कि ना रो दो, बानी पीटीआई कहते हैं फौज से मुजाकरात करने हैं। अच्छा जई से पूछता हूँ, ये फौज से मुजाकरात करेंगे तो इनका क्या मौकिफ होगा? किस सियासी जमातों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से मुजाकरात करने हैं। ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे, कोई मुआफी तलाफी हो। एस्टेब्लिशमेंट समेत हर इदारे से बात करूंगा, उनसे कहना है मेहरबानी करें हमारे साथ बैठें। महमूद अचकजई कहते हैं आइन की खातिर एस्टेब्लिशमेंट से भी मुजाकरात होने चाहिए। हालात का तकाजा है कि इस वक्त सब लोग मिल बैठें। नौ मई का मामला खत्म हुआ तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। बानी पीटीआई कहते हैं जब भी मुजाकरात की बात होती है ये 9 मई का शोर मचाते हैं। नवाज शरीफ ने चारों अंपायर्स को मिलाकर मैच खेला फिर भी हार गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी पीटीआई ने ना एनआरओ लिया ना लेंगे। नून लीग के इजलास में अचकजई के जरिए पीटीआई से मुजाकरात की कोई बात नहीं हुई, ना ही पीटीआई से मुजाकरात हो सकते हैं। सेनेट में नून लीग के पार्लियामानी लीडर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 9 मई बंदक के अंजाम को पहुंचने वाला है। मुकदमात के खौफ से ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल पर सेनेट में ओपोजिशन का हंगामा। बिल पेश करने के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी से ऐवान मछली बाजार में तब्दील। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तहरीक सेनेट में पेश। कराची में सानेहा कारसाज केस की समाप्त। मुलजिमा नताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफा 100 शामिल। सेक्शन शराब या दीगर नशे के जेर असर ड्राइविंग पर लगती है। डीआईजी विमेंस ने मुलजिमा को किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल फराहम करने की तरदीद कर दी। कहा खसूसी कमरा, एयर कंडीशन और दीगर सहूलतों से मुतालिक तमाम खबरें हकाइक के मुनाफी हैं।